ओहो दोस्तों, आज तो बहुत लेट हो गए। ये क्या, इनको किसने खोला है? मामू चिक्स को किसने खोला है? मैंने खोला है ना। अच्छा हाँ। तो आपने आधे खोले? आधे खोले अभी आधे। चलो आधे को मैं खोल लेता हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। ओहो सारे आ गए मेरे पास। चलो यार अब मैं अपने गोलू मोलू को निकाल देता हूँ। ये लो जाओ जाओ अपनी जगह पे जाओ। हाँ अब सही हो ना? ओ यार भाई मिनी फौज तुम नीचे क्यों आ गई हो? दोस्तों आज हम हो गए लेट आने में, थोड़ा मिनी जू और मैंने आके देखा सॉरी मिनी फौज बाहर थी और आधी से ज्यादा नीचे आ गई है। यार मिनी फौज को छोड़ इधर आओ। क्या हुआ है? क्या हुआ आपको पता है? हमारे रैबिट्स ने आज बच्चे दिए। ना करो। हाँ यार आ जाओ जल्दी आओ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। आप आ जाओ मैं दिखाता हूँ। वाकई? हाँ सच में। दोस्तों ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है, बड़ी सुबह सवेरे ही। किधर है? इतने प्यारे यार छोटे छोटे। इनके लिए कोई इंतजाम करना पड़ेगा यार। ये दूध पी रहे हैं अपनी माँ का, क्या कर रहे हैं? कोई दूध ढूंढ रही है ना? लेकिन इनकी माँ कौन सी है? यही लग रही है इसकी माँ। दोस्तों हमारे सेटअप पे ना फर्स्ट टाइम किसी रैबिट ने बच्चे दिए हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रही इतने सारे रैबिट्स हैं, किसके बच्चे हैं पड़े? और इनको तो भूख लगी हुई है। फिर दूध पिलाना है इसको? इसको कैसे हम दूध पिलाएं, इतना छोटा मुंह है इनका। इसकी माँ खुद पिलाएगी वैसे। इसकी माँ पता नहीं लग रहा है, ये है पता नहीं कौन है पड़ी। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं ये जो टोकरी है ना इसके अंदर रखते हैं, इनको सेव हो जाएंगे। पकड़ो। यार मैं इसकी माँ देख रहा हूँ यार, ये बड़े तंग हो रहे यार ये ऐसे तो मर जाएंगे अगर इनको फीड ना मिली। समझ देखो चेक कर रहा है इसकी माँ कौन सी है और पता तो नहीं लगेगा हमें। इस तरह इसको उठा के, वो कितने नाजुक हैं। ये वाली है। चलो इसको इधर बिठाओ। ओए अब नीचे बच्चे देख अपने। ओए इधर आओ यार, इनको ना रैबिट सब रैबिट से अलग रखना पड़ेगा, ये ना इनके ऊपर चढ़ जाए। ये जगह सही है। दोस्तों हमने डिसाइड ये किया जो हमारे रैबिट्स के बच्चे है ना क्यूट, इनको अंदर रख देते हैं फिलहाल। इनकी माँ जो भी होगी ना इनको दूध पिला देगी। हाँ। किधर गई? चलो ऊपर। ओ भाई साहब तहस नहस कर रखा सारा कुछ। वो देखो आधी नीचे भाग रही है। ओए यार इनका क्या करें, जैसे ही हम इनको खोले ना बस इनके पीछे भागना पड़ता है, ये थका देते हैं हमें। दोस्तों हमारी ब्लैक रानी की दोस्ती लग गई है मुर्गियों से। ये देखो ये मुर्गियों के साथ साथ घूमती रहती है आजकल। ब्लैक रानी कहाँ घुस रही हो? ये देखो ये खड़ी हैं मुर्गियाँ और ये सारा का सारा गार्डन इन्होंने मुर्गियों ने खराब कर दिया। ये वाला जो हमारा पौधा है ना बहुत नायाब था, ये सारा जड़ें खाई जा रहे हैं। ऊपर चलो यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो यार सबसे पहले हमने काम ये करना है, अपनी स्वीटी को नहलाना है। इसकी ना तबीयत बहुत ख़राब लग रही है मुझे, तो इसको अच्छी तरह नहला के और उसके बाद इसको मेडिसिन भी खिलाएंगे और उसके बाद इसको हैंड फीड कराएंगे। मैंने बहुत सारे मिनी फौज के सिपाही ऊपर पहुंचा दिए हैं, अभी भी काफ़ी सारे रह गए हैं। इनको एक एक करके पकड़ना पड़ता है, मैं तो थक गया हूँ। आ जाओ यार कहाँ हो, पकड़ इधर आओ। दोस्तों मैं मिनी फौज को पकड़ा था और मैंने क्या देखा है, जंगली बिल्ली आई हुई है। कहाँ से आई हो तुम? ओए तेरी डरती नहीं है यार ये। अभी इनको पकड़ लेती, शुक्र है मैंने देख लिया है। दोस्तों हमारे पेट्स रोटी बहुत शौक से खाते हैं, इसी वजह से मैं इनके लिए लेके जा रहा हूँ पानी। पानी के अंदर ही हम रोटी इनको बना के देंगे। इधर ये रखते हैं और ये रोटी डालता हूँ मैं इसके अंदर। अभी नहीं। हाँ दोस्तों मुझे याद आ गया, जो ये हमारा असील मुर्गा कल आया ना इसका नेम भी रखना है आज। रोटी मैंने ना भिगो के रख दी है, अब इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे रेडी होने में। और दोस्तों हम ऐसा करेंगे आज ना इन जो डव है ना हमारी ये बच्चे देने वाली हैं, इनके लिए टोकरी लेके आएंगे और वो लगाएंगे ताकि उसके अंदर ये ब्रीड कर सकें। ओ भाई साहब, दोस्तों बाहर ये जो बिल्ली जंगली आई हुई है ना, मैंने तो समझा था ये चिक्स को पकड़ने आई है, लेकिन ये ना हमारी ब्लैक रानी को बुला रही है। उसके साथ आपको पता क्या करना चाहती है ये उसको आवाजें निकाल के बुला रही है, सुन रहे हो? ये देखो ये ब्लैक रानी भी बाहर आने के चक्करों में है। क्या करने जा रही हो ब्लैक रानी तुम उसके साथ, हैं गंदी बच्ची हो तुम। भाग जा, तेरे साथ नहीं आएगी ब्लैक रानी, भाग जा। स्यूटी के लिए शैम्पू लेके आ गया हूँ और मैंने यहाँ एक और दोबारा वही काम देखा है।
बिल्ला आया हुआ, बिल्ला हमारी ब्लैक रानी को बुला रहा है, पता नहीं कहाँ भगा के लेके जाना चाहता अच्छा, है। हाँ, ये इसीलिए आज इधर आई है। चलो भाई आजा, और इसको ना अब हैंड फीड करानी पड़ेगी, इसकी तबीयत सही नहीं लग रही। पहले से तबीयत सही नहीं। मैंने स्यूटी को अच्छे से शैम्पू लगा दिया, अब इसको वॉश कर देता हूँ, बस अभी जल्दी सही होने वाली है। आज बड़ा थका देने वाला दिन ना, एक तो हमारा ब्लैक रानी के पीछे बिल्ला लगा हुआ है, इसको तो मैं बताता हूँ आए सही तुम्हारा। तो स्यूटी को नहला के तो मैं आ गया हूँ, अब ऐसा करता हूँ इसको धूप में बिठा देता हूँ। चलो यार, ये कैसे जान छोड़ेगा हमारी ब्लैक रानी की, वो देखो, ओए ओए उधर जा, हट हट यार, ये देखो ईगल को ट्राट, कोई चीज उठाओ मारो इसको यार। मैं तो कहता हूँ ओरियो को खोल देते हैं, इसका खुद सबक सिखाएगा। ये सही है, ऊपर से ना ब्लैक रानी का दीदार करने आया था। मुझे लग रहा है इसको भूख लगी है। किसको? कोई चीज ले जाने का सोच रहा है। वो ब्लैक रानी को लेके जाने का सोच रहा है। तौबा खुदा, ए तेरी, पकड़ो इसको। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मार्केट और हमने 2 से 3 चीजें लेनी है। एक तो सुपर केज के अंदर जो हमने बास्केट लगानी है ना डव्स के लिए, उन्होंने ब्रीडिंग देनी है, वो ना भूलना। क्या ब्रीडिंग बास्केट, अंडे देंगे ना डव, मुझे याद है, चलो आप ना भूलना। तो उसके बाद हम एक और चीज है बड़ी, वो जिससे फीड करानी है अपनी स्यूटी को, वो भी लेते आएंगे। चलो यार, दोस्तों हम पेट मार्केट में पहुंच गए हैं, अब यहाँ से हमने जो डव की टोकरियां लेने हैं वो देखते हैं। क्या डव जिसमें ब्रीडिंग करती है वो टोकरियां हैं आपके पास? हाँ जी। अच्छा जी, ये पड़ी हैं, हाँ हाँ हाँ, ये चाहिए थी। चलो जी, फाइनली दोस्तों हमने ना ये 2 बाय कर ली हैं। इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? वो देखो जर्मन शेफर्ड आया बैठा है, लेना एक नहीं 2-3। वाले क्या हाल कर रहे? ना जाना इसके करीब, ना जाना, मैं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ। तौबा है भाई, तौबा है। मैं इसी वजह से कहता हूँ जर्मन शेफर्ड, भूल जाओ, मैं नहीं डरने वाला, टेंशन ना लो। अच्छा जाओ जाओ, इसको क्या हुआ? वो कह रहा मैंने खाना है आपको। यार ऐसा करेंगे, जर्मन शेफर्ड अब लेके रहना है, बात जो मर्जी हो जाए, पक्की बात, पक्की है, बात है। चलो मैं आपको पक्का ले लूंगा, नहीं लेना है तो बात। अब मेरी जिद है, मैं जर्मन शेफर्ड जल्दी से जल्दी लूंगा, इसको देख के मुझे गुस्सा आ गया। बस दोस्तों जल्दी से मिनी जू बड़ा हो जाए, हमने बिग जर्मन शेफर्ड लेके आना, मैंने अब सोच लिया, पक्का सोच लिया। यार दोस्तों हम ना बास्केट भी ले आए हैं और ये जो इसको क्या कहते हैं, नेस्टिंग मटेरियल, पलाली, नेस्टिंग मटेरियल कहते हैं, थोड़ा इंग्लिश मुझे आती है, आपको नहीं आती? मुझे आती है लेकिन मैंने जान के नहीं बोली। चलो चलो चलो। आती भी नहीं थी वैसे। पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो इनके लिए हमने रोटी बनाई है ना, सारों को देता हूँ। ये देखो सारे आए हुए हैं खाने, आओ भाई, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश, गिरी, चलो भाई। ओ मिनी फौज का सिपाही, तू क्या कर रहा है यार? आपको पता है, आपको पता है क्या, आज बादशाह को मैंने सजा दिया है। क्यों सजा दिया बादशाह को? वो बबलू के साथ लड़ रहा था, मैंने उसको सुबह से ही बंद कर दिया। मुझे लगता है आपने पहले ही नाम रख लिया असील मुर्गे का, बबलू। मुझे बबलू की बड़ी याद आ रही है। चलो दोस्तों ऐसा करते हैं, जो हमारा न्यू असील मुर्गा है ना, ये वाला, इसका नाम भी बबलू रख देते हैं। और आप में से सब के तकरीबन कमेंट्स यही थे, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, वो कह रहे हैं बबलू रखो, बबलू रखो। तो फिर रख दी, समझो रख दिया, समझो बबलू हो गया। चलो भाई बबलू, आज तेरा नाम बबलू है, ठीक है? दोस्तों मैंने डव के लिए ना ये वाले खिड़कियां भी खोली थी, ये भी खोली थी, लेकिन इसके अंदर ब्रीड नहीं की, इसी वजह से ना हम इनके लिए ना ये ले आए। हमने ना एक बास्केट लगाई है इधर और दूसरी बास्केट लगाई है इधर, अब इनकी मर्जी जहां मर्जी बैठ रहे। समझ, खुद ही डव को पकड़ के ना टोकरी में बिठा दिया, मैं इसलिए इसको जगह पता चल जाए। इनको पता लग जाएगी ना, फिर यही अंडे देंगे, अच्छा किया। चलो यार आओ, स्यूटी को फीड कराएं, भागो बाहर, इसको यही बिठा के हैंड फीड कराते हैं, इसको बिठाओ। सबसे पहले तो ये जो मैं ले आया हूँ ना, वो रैबिट तुम्हारा नहीं है ये, ऐसे। चलो आप इसको पिलाओ। मैं तो कहता हूँ रैबिट के बच्चे को भी पिला दो। हाँ क्या बोल रहे? ब्यूटी को तो मैंने पिला दिया अच्छे से दूध, जरा घूमे फिरेगी ना, एक्टिव होगी। रैबिट के बच्चे का यार छोटे छोटे मुंह है, पी लेंगे इसे इस तुरंत से। मैं तो कहता हूँ ट्राई करते हैं। अच्छा, क्योंकि उसकी माँ उसको पिला ही नहीं रही, तो हमें ट्राई करना पड़ेगा ना। मुझे तो लग रहा है जो हमारे क्यूट रैबिट है ना, इनकी माँ ने ना इनको दूध पिलाने की कोशिश की है। देखो दूध गिरा पड़ा, येलो येलो दूध। हाँ मैंने पहले भी बोला था यार, मुझे लगता है वो पिला रही है। ये पता नहीं है इसकी माँ कौन सी है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। मुझे लगता है पिला रही है, हमें पिलाने की जरूरत नहीं है, तो इसको ना इसकी जगह पे दोबारा रख देते हैं।
ये इधर पिला लो यार, पिला लो, आपकी बच्चे हैं बड़े, जो भी है पिला लो। ये सही है, ये सही है, मेरे लिए मैंने कहा टैंगो मैंगो सही है, आप ईगल को उठाया करो। हमारे जो टैंगो मैंगो है ना बहुत शरीफ है, ये सोच रहा है, इसको अपने हाथ पे, इसको भी बिठा दो। चलो भाई बैठे रहो, बैठे रहो, आधा घंटा आप इसको, इनको बिठा के रखो, ट्रेनिंग हो जाएगी ना यार। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। वैसे ये हड हराम होते जा रहे हमारे टैंगो मैंगो ना, ये एक समझा, आप मेरी बात कर रहे हो, आप भी हड हराम थोड़े थोड़े होते जा रहे हो काम में। ओ भाई साहब, ओ जिमी रैबिट के बच्चे चेक करने गया हुआ है, इधर आ, रैबिट के बच्चे पड़े पागल। जिमी अभी ना रैबिट के बच्चों के पास आ गया था। चलो भाई आप बैठे रहो आराम से। जिमी मेरे से नाराज हो गए ना, नीचे भाग गया, किधर गया यार? इधर आए, ऊपर आए, ऊपर आओ, चलो 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 ऊपर, चलो 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 सीधे तरह। मुझे पक्का यकीन है हमारी ब्लैक रानी ना बिल्ले के साथ नहीं भागेगी। इसी वजह से ना इसको मैंने केज में बंद कर दिया, इसके ऊपर यकीन है मुझे। नहीं नहीं यकीन नहीं, कोशिश किया था इसने जाने की, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे यकीन है इसी वजह से केज में बंद किया है, नहीं तो मैं ना करता। ओ यो ये फंस गया, पकड़ो, बच गया यार, इसको क्या हुआ? इसको जिंदा करने की कोशिश करो यार। ओ दोस्तों मैं तो डर ही गया था, ये देखो यहाँ फंस गया है, तो मुझे लगता है बच सकता है यार ये बच गया मेरे ख्याल से, दिखाओ। हाँ हाँ दिल की धड़कन चल रही है, चल रही है, हाँ दिल की धड़कन चलने लग गई है। सही है, शुक्र है। नहीं मैंने इसको जरा पुश अप किया है ना, इसकी सांस चलने लगी है, नहीं तो बेचारा मर जाता। मैंने तो अचानक देखा यार यहाँ फंसा हुआ था, यार इसका कुछ करना पड़ेगा हमें। चलो यार इसको ना मैं बाहर निकालता हूँ। ओए शुक्र है बच गया हमारा रैबिट। यार यहाँ ना आप कील लगाओ ईंट से, मैं लगा रहा हूं। पक्का बंद करो इसको, इसको इसको, हाँ इसको केज में रखो। दोस्तों हमने ना रैबिट को दूध पिला के इसको केज में अब बंद कर रहे हैं, तो शुक्र है बच गया ये। अगर मैं ना देखता, एक मिनट भी लेट हो जाता ना, इसकी लाइफ हम सेव ना कर सकते। कितनी लाल हुई यार, ये गत्ता वाला पड़ा था यार, ये फंस गया था, पता नहीं कैसे फंसा है। मैंने अब वहाँ ठीक कर दिया, क्या पता यही बच्चों की माँ हो, इसी ने फीड करा नहीं है यार, शुक्र है यार। चलो चलो अंदर छोड़ो इसको। दोस्तों हमारे ईगल यहाँ से उठते हैं, करते 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 चलते वो सुपर केज में जाके बैठ जाते हैं। अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा उसको उतारने के लिए, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा फिर वो उधर जाना पड़ेगा। तू सही है, तू नहीं जाते, तेरा वो जो भाई है ना वो देख मोलू, वो चला जाता है। जब भी मैं इसके आगे हाथ करूँ ना, वो यही काम है, देखो ये देखो यही काम है, यही मैं जा रहा हूँ मोलू को पकड़ने। चलो भाई मोलू आ जा, इधर बैठा करो, उधर कहाँ तुम पहुँच जाते हो, हैं आ जा भाई। चलो भाई उठा लिया इसको मैंने, जाने की कोशिश नहीं करनी तूने, ठीक है? ओ भाई साहब इतना डेंजरस काम है ये यार, एक तो इतनी छोटी जगह यहाँ चला नहीं जाता पूरी दीवार पे। एक मिनट लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। ओहो हो 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 हो, चलो आ गया। आप नहीं जाना तूने उधर, ठीक है? तुझे फिर पकड़ने जाना पड़ेगा। समझ से ज्यादा ना मैं इन चीजों को हैंड टेम कर लेता हूँ, ये ऐसे इसका नाम बना हुआ है, कुछ करना आता नहीं है। देखो ये देखो, जहाँ से मर्जी इसको उठाऊं मैं, किस भी कर सकता हूँ इसको, करो जरा करो। ये देखो चैलेंज कंप्लीट, चैलेंज कंप्लीट। फाइनली दोस्तों ईगल समेत मैंने सब पेट्स को बंद कर दिया, और इधर इनकी दोस्तों जगह खत्म हो गई हमारे पास। जल्दी आप मिनी जू बड़ा करना पड़ेगा यार, यार जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पेट्स, देखो बबलू भी यहाँ घूम रहा है सारे, इधर हमारे पेट्स अभी तंग हो रहे हैं केजेस की वजह से ना। तो दोस्तों आज के व्लॉग में एंड करते हैं, ये होप कि आज के व्लॉग आपको बड़ा पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।